गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मीशो साड़ी हॉल, मोस्ट अफोर्डेबल मीशो साड़ी हॉल, जो कि इतनी ज़्यादा अफोर्डेबल हैं लेकिन इतनी ब्यूटीफुल हैं कि आप किसी फंक्शन में भी इनको आराम से पहन सकते हो। तो मैं आपको वन बाय वन दिखाऊंगी। कुछ साड़ियाँ हैं मेरे पास, बहुत अमेजिंग हैं, आप किसी फंक्शन के लिए, शादी के लिए, किसी भी ओकेजन के लिए आप इनको बाय कर सकते हो और प्राइस वाइज बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। मुझे मीशो पर्सनली इसीलिए पसंद है क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सस्ती और अच्छी क्वालिटी की मिल जाती हैं वंस इन अ वाइल। हाँ, कभी होता है तो आप उसमें एक्सचेंज रिटर्न कर सकते हो, रिफंड कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, जो कि जनरली मैं भी करती हूँ अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आती है। तो चलिए वन बाय वन आपको दिखाना शुरू करती हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो ये है मेरी आज की फर्स्ट साड़ी, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, कलर बहुत प्यारा है, इसमें बहुत सारे कलर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे और इस तरह से चौड़ा सा एक गोटा पट्टी का बॉर्डर है, काफ़ी अच्छी तरह से अटैच किया हुआ है, मतलब फिनिशिंग में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। काफ़ी खूबसूरत लगी मुझे ये साड़ी और कपड़ा इसका जॉर्जेट है, ये सिल्क नहीं है, ये जॉर्जेट है, लेकिन है बहुत ही प्यारी, मतलब पहनने के बाद इट इज़ गोइंग टू लुक लाइक रॉक, या मैं कह सकती हूँ। तो इसका पल्ला देखते हैं सबसे पहले। तो इस तरह से कुछ इसका पल्ला है और पल्ले के कॉर्नर में टैसल्स हैं ग्रीन कलर के। तो इस तरह से कुछ साड़ी है पूरी की पूरी और ऐसा कुछ बॉर्डर है आपको मिलता है। काफ़ी लंबा साड़ी, ना हाइट में कोई प्रॉब्लम है साड़ी के, और कपड़ा सॉफ्ट है, काफ़ी अच्छा वाला ये जॉर्जेट बोलूंगी मैं आपको, एकदम सॉफ्ट है, पहनने के बाद काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो आपको पल्ले तक ये बॉर्डर मिल रहा है दोनों ही साइड पर, दोनों ही साइड पे मिल रहा है। और इसके बाद स्टार्ट होती है हमारी आगे की साड़ी। तो यहाँ पे मैं आपको बता सकती हूँ ऊपर बॉर्डर नहीं है, लेकिन आपको जहाँ पे आपके घूम आते हैं ना वहाँ पूरे में आपको ये वाला बॉर्डर अगेन मिलता है। काफ़ी लंबी साड़ी है। चलिए अब इसका हम ब्लाउज देखते हैं। आई थिंक रनिंग ब्लाउज है, या आई थिंक इसका रनिंग ब्लाउज ही है क्योंकि इसमें कोई अलग से ब्लाउज मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका शायद रनिंग ही ब्लाउज होगा जिसका कुछ इस तरह से आई थिंक बॉर्डर आएगा बाजू पे। आई थिंक रनिंग ही ब्लाउज है बिकॉज अलग से मुझे इसमें कोई ब्लाउज नहीं मिला है। या तो इसका रनिंग ब्लाउज है। तो ऑल ओवर बोलूँ तो मैं काफ़ी अच्छी साड़ी है, इसका प्राइस आप यहाँ देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है और मीशो पे साड़ीज़ बहुत रीजनेबल, बहुत अच्छी मिल जाती हैं। इतने अफोर्डेबल प्राइस पे आपको एक फंक्शन में पहनने लायक साड़ी मिल जाती है जो कि पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लगेगी। तो चलिए आप इंजॉय कर लीजिए अब इसका लुक, प्राइस मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है। Without heart in your head, you're right, but in my head, you are the bad. I wanna show to the world that you're the bad one. You was being bad. That you stole my love, you stole my time, you stole my heart. You begged me to come out with you. आपको ये साड़ी, चलिए अब लेट्स मूव टू माय सेकंड साड़ी ऑफ टुडे। ये भी बहुत अच्छी है, बहुत सॉफ्ट वाला सिल्क है और इसका बॉर्डर देख लीजिए कितना ज्यादा अमेजिंग है, सना सिल्क है ये और कलर इसमें आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, अगेन वहां पे काफी सारे कलर्स हैं। प्राइस आप देखेंगे तो माय गॉड काफ़ी रीजनेबल है और इतने रीजनेबल प्राइस में आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत साड़ी मिल रही है। कपड़ा यानी सना सिल्क मुझे काफ़ी आजकल पसंद आ रहा है, कई सारी साड़ियाँ मैंने मंगवा ली हैं। इसके साथ मिल रहा है हमको ये पर्स बिल्कुल सेम सेम और आई थिंक इसके साथ मास्क भी है। मैं ढूंढती रही जब मैंने इस पैकेट को ओपन किया लेकिन मुझे मास्क नहीं मिला, तो शायद बाय मिस्टेक वो लोग मास्क भेजना भूल गए हैं कि सेम जैसी साड़ी है वैसा पर्स है वर्क वाला और वैसे ही वर्क यहाँ पे है और सेम इसी वर्क का अच्छा सा सुंदर सा बड़ा सा मास्क आपको साथ में मिलता है। तो ये कंबाइन करने के बाद बहुत अच्छा लगेगा पहनने के बाद। मुझे ये सबसे अच्छी प्यारी सी चीज़ लगी, टाइनी सा पर्स मिल रहा है वो भी सेम सेम, कितना अच्छा लगेगा जब आप मास्क लगाओगे साथ में ये साड़ी और ये पर्स लोगे। तो ये बहुत ही प्यारा सा कलर है, इसमें बहुत अमेजिंग अमेजिंग कलर्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। कपड़ा बहुत अच्छा है, एकदम सॉफ्ट वाला सिल्क है, इस तरह से बॉर्डर आपको पूरी साड़ी पर मतलब पल्लू पर मिल जाएगा, पाइपिंग भी लगी हुई रेड कलर की। तो काफ़ी अच्छी है ये साड़ी और आप किसी छोटे मोटे फंक्शन में या किसी बड़े फंक्शन में भी इसे पहन सकते हो। और अगेन आपको जहाँ पे आपका नीचे की साइड घूम आता है ना, प्लेट्स आती है, वहाँ आपको बॉर्डर मिल जाता है। काफ़ी लंबी साड़ी है और हाँ इसका ब्लाउज आपको इसमें काफ़ी अच्छा सा मिल रहा है। कैसा मिल रहा है? यस, ये सिल्क का ब्लाउज मिल रहा है रेड कलर का और इसमें ये बॉर्डर मिल रहा है जो कि आप अपने बाजू पे या कैसे भी डिज़ाइन करके अटैच कर सकते हो। ऑल ओवर साड़ी काफ़ी खूबसूरत है, इसका प्राइस आप देख लीजिए काफ़ी रीजनेबल है। इसमें आपको बहुत से कलर्स मिल रहे हैं और साथ में मिल रहा है मास्क और साथ का पर्स। वाओ, ये बहुत अमेजिंग सा लगा मुझे, ये बड़ा अमेजिंग सा पैटर्न लगा कि साथ में आपको वॉलेट मिल रहा है, यानी क्लच कह सकते हैं, छोटू छोटू वाला पर्स और साथ में एक प्यारा सा मास्क, वो भी सेम सेम, जो कि मुझे मास्क नहीं रिसीव हुआ है। आई थिंक बाय मिस्टेक, यार कभी कभी हो जाती है मिस्टेक।
तो ये बहुत ही खूबसूरत है। चलिए इसका प्राइस आपने देख लिया, अब आप देख लीजिए मैं इसको पहन के कैसे लगती हूँ। Without remorse, without heart In your head, you're right But in my head, you are the bad I wanna show to the world that you're the bad one So, कैसी लगी आपको साड़ी? इसके बाद आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा फेवरेट कलर। ओ माय गॉड, इसका कपड़ा इतना सॉफ्ट है ना, इसे मैं ब्राइडल साड़ी भी कह सकती हूँ। इसको आप किसी आपके एनिवर्सरी पे या करवा चौथ पे, माय गॉड, कोई भी चीज़ में अच्छा लगेगा। और ये वर्क भी काफ़ी अच्छा है, ये गोल्डन कलर के डोरे से वर्क है और बीच बीच में डायमंड्स हैं, डायमंड्स लगे हुए हैं और ऑल ओवर भी आपको डायमंड मिलते हैं यहाँ पे और इस तरह से वर्क भी मिल रहा है। चलो इसे ओपन करते हैं। मैंने अभी तक इस साड़ी को ओपन नहीं किया है, मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगी ये साड़ी, मैं आपको क्या बोलूँ, काफ़ी खूबसूरत दिख रही है। तो चलो देखते हैं ओपन करके इसको। कपड़ा इसका विचित्र सिल्क बोलेंगे इसे, हाँ विचित्र सिल्क बोलेंगे, प्योर विचित्र सिल्क है। कितनी खूबसूरत साड़ी है, देखिए पहनने के बाद कितनी अमेजिंग लगने वाली है, तो मैं आपको पहन के भी दिखाने वाली हूँ फॉर श्योर, बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो मुझे ऐसी साड़ी, मतलब काफ़ी टाइम से मैं करवा चौथ के टाइम पे भी ऐसी साड़ी ढूंढ रही थी, तब मुझे दिखाई नहीं दी और अब अचानक से दिखाई दी तो मेरा मन नहीं माना और मैंने मंगवा ली। बहुत ही खूबसूरत है यार, मैं क्या बोलूँ, इस साड़ी के बारे में ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। कपड़ा मतलब जो इसका है ना, वो इतना सॉफ्ट वाला सिल्क है ना, बिल्कुल भी जॉर्जेट नहीं है, ये विचित्र सिल्क है जो कि काफ़ी सॉफ्ट होता है। बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। तो यह इसका पल्लू कुछ ऐसे है, आपको ऑल ओवर डायमंड, बीच में बूटे मिल रहे हैं। इसके बाद बाकी की साड़ी पे आते हैं, तो ऊपर के साइड तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ जहाँ पे प्लेट्स आती है वहाँ पूरे में आपको वर्क मिल रहा है और नीचे अगैन वही वाला बॉर्डर मिल रहा है। तो पूरी साड़ी कुछ इस तरह से है और हाँ यहाँ पे आपको जहाँ पे आपके प्लेट्स आएंगे ना, आई थिंक वहाँ पूरा आपको मिल रहा है अगैन। और इसके बाद में ब्लाउज, या ब्लाउज बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ये देखिए इस तरह से कुछ ब्लाउज है, ये शायद बैक साइड पर आएगा और ये बाजुओं पर आएगा। तो ये ऑल ओवर बहुत खूबसूरत साड़ी है। जो भी कोई मेरे सजेशन पे इसको बाय करेगा ना, वो मुझे ज़रूर थैंक्स लिख के जाएगा। आप इसे किसी शादी में वेयर कर सकते हो या फिर करवा चौथ, दिवाली, किसी भी फंक्शन पे जाएगा। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत साड़ी है, हाईली हाईली रिकमेंडेड है ये। चलिए अब इसका प्राइस देख लीजिए यहाँ पे, जिस हिसाब से इसके लुक्स हैं, जिस हिसाब से ये साड़ी है, उस हिसाब से ये प्राइस तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। जनरली ना जो साड़ियाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं उनकी काफ़ी तारीफें होती हैं, जैसे कि मेरे करवा चौथ की साड़ी की बहुत तारीफ हुई थी, वो मीशो से ही थी। तो अगेन मैं बोलूँगी उसी लेवल की साड़ी है ये। इसका वर्क बहुत ही फाइन, बहुत ही बढ़िया है, कोई वर्क में ऐसा नहीं है कि फिनिशिंग नहीं हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए इसका प्राइस आपको दिखा दिया, अब आप देखो मैं इसे पहन के कैसे लगती हूँ। Without remorse, without heart In your head, you're right But in my head, you are the bad I wanna show to the world That you're the bad one You was being bad That use all my love Use all my time Use all my heart You begging me to come out with you You, 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 you I don't know, I'm fine without you You, 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 you You begging me to come out with you की लास्ट साड़ी बची है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मीशो से डिलीवरीज ओपन हो चुकी हैं, बहुत टाइम से ओपन है, मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बताती हूं, लेकिन फिर से बता रही हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। साथ ही साथ मैं बता दूं कि बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि जैसा सिनेरियो चल रहा है लाइक पेंडेमिक का, तो लोग डरते हैं कोई भी चीज़ ऑनलाइन मंगाने से, बिल्कुल टेंशन ना लें। ये लोग अपने स्टाफ का, सैनिटाइजेशन का, उनका सोशल डिस्टेंसिंग का, हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि कोई भी टेंशन वाली बात है, ज़रा सा भी टेंशन मत लीजिए, बिंदास आपको जो भी पसंद आ रहा है आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। साथ डोर स्टेप डिलीवरी है, डिजिटल सिग्नेचर है, डिजिटल पेमेंट है, इसलिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है। अब ये छोटा सा क्लिप देखो, ये एक रीसेलिंग ऐप है, यहाँ से आप शॉपिंग करो, बिजनेस करो, बहुत सारे लोग यहाँ से बिजनेस करके ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं, कैसे, इस वीडियो क्लिप को देख लो, आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ऐप को डाउनलोड कर लेना है। जब आप मीशो ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटलॉग्स मिलेंगे। सपोज़ कि आपको ये पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आप इसे शेयर करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आप चाहें तो इसको मतलब शॉपिंग भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं आपके रिलेटिव फ्रेंड्स के साथ। आप चाहें तो रिव्यूज़ वगैरह भी देख सकते हैं वहाँ पर, जो कि नीचे दिए होते हैं फोटोज़ एंड रिव्यूज़। डायरेक्टली आप प्रोडक्ट को क्लिक कर लीजिए, साइज़ सेलेक्ट कर लीजिए, शॉपिंग करनी है तो भी, और अगर कस्टमर के लिए, कस्टमर को शेयर करना है
तो भी अगर उनको पसंद आ जाता है तो आप ऐड टू कार्ट कर दीजिए। ऐड टू कार्ट करने के बाद आपको क्या करना है, कैश ऑन डिलीवरी पे टिक कर देना है। इसके बाद आपको प्रोसीड करना है, और प्रोसीड करने के बाद सपोज़ कि ये चीज़ आपकी 551 रुपीज़ की है तो आप 651 यहाँ पे लिख दीजिए, तो आपका 100 रुपये मार्जिन हो जाएगा जो होगी आपकी कमाई। बस मार्जिन सेट कर देना है, प्रोसीड कर देना है, उनका एड्रेस डाल देना है यहाँ पे। यहाँ मेरा एड्रेस डाला हुआ है लेकिन यहाँ पे आपको कस्टमर का एड्रेस डालना है, या अगर शॉपिंग कर रहे हैं तो खुद का एड्रेस डालना है, और आपको ऑर्डर प्लेस कर देना है। इसके अलावा मैं बता दूँ कि वहाँ पर हर चीज़ का बहुत ध्यान रखा जा रहा है, जैसे कि डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल पेमेंट। उनका स्टाफ भी बहुत ध्यान रखता है सैनिटाइजेशन का, सोशल डिस्टेंस का। होगा ना, बहुत इजी है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेरा फर्स्ट वीडियो का लिंक रहेगा जिसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया हुआ है। चलिए आज की लास्ट साड़ी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस तरह से कुछ है। ये भी अगेन सिल्क का साड़ी है और काफी खूबसूरत लग रहा है। चलो ओपन करते हैं इसको। मैंने भी पूरी तरह से ओपन नहीं किया है। इस तरह से बॉर्डर मिल रहा है जिसपे डायमंड्स लगे हुए हैं, पाइपिंग लगा हुआ है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, वर्क काफी अच्छा है, पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क है यहाँ पे। और इस तरह के बूटे आपको ऑल ओवर मिल रहे हैं, पल्ले में तो है ही। चलो आगे देखते हैं। यस, पूरे पल्ले में है। और फिर इसके बाद जब यहां पे आ जाते हैं ना प्लेट्स की तरफ, तो नीचे की साइड है जैसे कि हमेशा होता है, बॉर्डर भी है डायमंड वाला। काफी लंबी साड़ी है, ये सिल्क है। आई थिंक कौन सा सिल्क है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सॉफ्ट वाला सिल्क है, और इस तरह का सॉफ्ट सिल्क मुझे पहनने में बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छा लगता है। काफी लंबी साड़ी है। और हाँ, इसका ब्लाउज कुछ ऐसे है क्योंकि इसमें इसी कलर से एम्ब्रॉयडरी है, तो फिर कॉन्ट्रास्ट कलर दिया हुआ है जो कि काफी खूबसूरत बना रहा है इसको। और यहाँ पे अगेन कुछ डायमंड्स लगे हुए हैं, तो ये काफी सुंदर है। तो ये इसका प्राइस आप यहाँ देख लीजिए, इतना ज्यादा महंगा नहीं है। जिस हिसाब से इतना खूबसूरत साड़ी है, महंगा नहीं है बिल्कुल भी। और इसके बाद आपको दिखाती हूँ मैं इसको पहन के कैसे लग रही हूँ। You go and can't without remorse, without heart in your head. You're right, but in my head, you are the bad. I wanna show to the world that you're the bad one. You was being bad. That you stole my love, you stole my time, you stole my heart. You begged me to come up with you, 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 you. I don't know, I'm fine without you. लाइक माई कलेक्शन। आज का कलेक्शन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मीशो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बिना पैसा लगाए बहुत सारा काम कर सकते हैं, बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, तो क्यों ना आज से ट्राई किया जाए। मैंने आज आपको दिखाई है, सबके जो प्रोडक्ट कोड्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो चेकआउट कर लीजिएगा। कुछ भी पसंद आ रहा है ना तो बस वहां से कोड ले लीजिए, ऐप पे चले जाइए, वहां टाइप कीजिए, वही कैटलॉग ओपन हो जाएगा एंड यू कैन बाय इट फॉर योरसेल्फ। हर बैठे पैसा कमाने का मीशो से अच्छा तरीका आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, जहां ना आपको एक रुपया लगाना है, ना ही आपको इन्वेस्टमेंट की चिंता है, और ना ही आपको चीजें कस्टमर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है। सब कुछ निभाएगा मीशो, आपको सिर्फ खाली टाइम में फोन पे उंगलियां घुमानी है और ढेर सारा पैसा कमाना है। आपको क्या करना होगा, कुछ भी नहीं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ऐप डाउनलोडिंग लिंक से ऐप को डाउनलोड करना होगा। वंस आपने ऐप को डाउनलोड कर लिया, जैसे मैंने वीडियो में बताया, आपको बहुत सारे कैटलॉग मिलेंगे, जो भी आपको पसंद आ रहा है फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, और अगर उनको कुछ पसंद आ जाता है मार्जिन सेट करके अपना पैसा कमा लीजिए। इससे अच्छा तरीका आपको पैसा कमाने का कहीं भी नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग मीशो से बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, मैंने भी अपनी इनकम बहुत बार शो की है, यहाँ पे वापस से मैं आज अपनी इनकम शो कर रही हूँ। आप देख लीजिए अभी तक जो मैंने कमाया है सिर्फ रेफरल इनकम से। अगर आप मेहनत करें तो आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, तो क्यों ना एक ट्राई किया जाए, हो सकता है कि आप सफल हो जाए। जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे सफलता के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस आशा के साथ कि आप लाइक जरूर करेंगे, और अगर नए हैं चैनल पे तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू, गुड नाइट, बाय बाय।